हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे जैसे हमने चैप्टर वन को पढ़ा। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए और वहां पर आपने उन्हें याद भी कर लिया। लास्ट में हमने अभ्यास प्रश्न भी किए थे। तो चलिए, आपको लास्ट वीडियो में से ही एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हमने तिथियों की बात की थी, लास्ट चैप्टर में हमने तिथियों की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। तो देखिए, बी सी ई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आपको बताना है लास्ट वीडियो में से ही एक आंसर कि बी सी ई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना आंसर छोड़िएगा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमने चैप्टर वन पढ़ा था। यहीं पर जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। देखिए, हम चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टाइम आपका खराब नहीं होने दूंगी मैं, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें होंगी उनको याद कराने की कोशिश भी की जाएगी। ठीक है, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तो हम भी जब यात्रा करते हैं तो सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे कि वो पीछे छूटती जा रही हो। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर जो है हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। यानी कि आपको यदि नहीं पता है कि बस का पहले आविष्कार हुआ या रेल का हुआ, यानी ये रेल भारत में सबसे पहले चली है, ठीक है, उसके बाद बस आई है। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, यात्रा तो वो पहले भी करते ही होंगे। ठीक है, आरंभिक मानव। तो आरंभिक मानव जो है उसका जीवन कैसे था, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और क्यों जाते थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, जो आरंभिक मानव था। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जो कि जंगलों में घूमा करते थे, पेड़ पौधे पत्तियां फल फूल इनको जो है अपना भोजन जो है इनसे भोजन करते थे। ठीक है, जानवरों का शिकार करते थे, मांस खाते थे। तो ये लोग जो है एक जगह पर तो नहीं रहा करते थे, घूमते फिरते रहते थे, ठीक, खाद्य की खोज में। तो इनको हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, 20 लाख साल पहले ये लोग जो है किस नाम से जाने गए, आखेटक खाद्य संग्राहक। तो ये पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इन्हें इस नाम से पुकारा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियां पकड़ते, चिड़िया पकड़ते, फल फूल दाने पौधे पत्तियां और अंडे इकट्ठे किया करते थे। ठीक है, तो ये काम करते थे, इसीलिए इनके आधार पर ही इनका नाम जो है क्या पड़ा, आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण थे। अब यहां से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 लाख साल पहले जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो क्या कारण रहे थे? तो इस चैप्टर में जो है चार कारण जो है वो बताए हैं इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो क्या थे। पहला कारण ये था कि अगर वे एक जगह पर ही ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अब एक जगह समाप्त हो गए तो इस वजह से जो है उन्हें और भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, तो भोजन की समाप्ति होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाते थे। ये था पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, तो जो जानवर जिनका शिकार ये लोग करते थे वो खुद भी चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये जो खाद्य संग्राहक थे ये इन जानवरों का क्या करते थे, पीछा, तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, पहला कारण क्या रहा कि वहां पर जब भोजन की समाप्ति हो जाती थी तो वहां से वो दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, दूसरा कारण जिन जानवरों का शिकार करते थे वो जानवर खुद भी अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते थे, तो इस वजह से उनका पीछा करते हुए वो चले जाते थे। तीसरा कारण था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। ठीक है, इसीलिए लोग उनकी तलाश में, किसकी तलाश में, जो फल
जो पेड़ पौधे जो हैं अलग अलग मौसम में आते थे, तो जिस मौसम में जिस जगह पर आते थे उस जगह पर वो चले जाते थे, तो मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में वो घूमते रहते थे। ये था तीसरा कारण। चौथा कारण क्या था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, लेकिन कुछ झीलें, कुछ नदियां ऐसी थी जो कि बारिश के पानी पर निर्भर रहती थी, ठीक है, और वहां पर पानी जो है बारिश के बाद ही मिल पाता था। तो इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में। तो ये जो था महत्वपूर्ण कारण था, चौथा ये कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो हमने क्या पढ़ा कि 20 लाख साल पहले जो मानव थे उनको क्या कहा गया, आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया, ठीक है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, आखेटक खाद्य संग्राहक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा आपको याद रखना है कि ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते थे। एक तो ये कारण था कि जो भोजन समाप्त हो जाता था एक जगह का, उनको खा पी कर वो समाप्त कर देते थे, तो उसकी जो है भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में। ये कुछ दो तीन शब्द जो है वो आप याद रखें अभी तक जो पढ़ा है हमने, ठीक है। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वो जानवर खुद चारा खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। तो उनका जो है वो जानवरों का क्या करते थे, पीछा पीछा करने की वजह से खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा जो है हमने पढ़ा कि मौसम के अनुसार जो है पेड़ पौधे जो है होते थे, तो उसी उस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। चौथा कारण था पानी की तलाश में, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इस तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, तो आपको यहाँ पर आई होप याद भी हो गया होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो हमें जानकारी जो है वो पुरातत्वविदों से मिलती है। पुरातत्व यानी पुरा यानी प्राचीन, तत्व यानी कि जिन सामानों की वो खोज करते थे, विद यानी विद्वान, तो ऐसे लोग जो कि खुदाई के दौरान उन्हें बहुत सारी जो है वो वस्तुएं मिलती थी, जिसके आधार पर वो पता लगाते थे कि ये चीज जो है उस समय यूज की गई होगी। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग जो है आखिर तक खाद्य संग्राह किया करते थे, ठीक है। इससे उन्होंने पता लगाया, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। अब वो शिकार करते थे तो शिकार करने के बाद जानवरों का मांस जो है वो खा लिया करते थे, हड्डियां बच जाती थी, ठीक है। अब उनके सामने तो हड्डियां ही हैं, अब हड्डियों का क्या करें। तो धीरे धीरे उन्होंने जो है इनके औजार बनाना प्रारंभ किए कि अगला जो शिकार किया जाएगा ऐसे जानवर जिसके लिए नुकीले हथियारों का प्रयोग जो है वो हमें करना चाहिए, तो उन्होंने हड्डियों के ही औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और इसके अलावा पत्थर जो हैं, पत्थर जो नुकीले पत्थर थे उनका उपयोग भी करने लगे, ठीक है, लकड़ियों का उपयोग भी करने लगे। बाद में जाके जो आग का आविष्कार हुआ उसी मांस को जो है वो पकाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करने लगे, कुछ लकड़ियों के जो हथियार बनाने लगे। तो इनमें से पत्थरों के औजार जो है जो कि आज भी बचे हैं, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो ये समझने वाली चीजें हैं। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इस पैराग्राफ में जो है इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए क्या है कि पुरातत्वविदों को आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, तो उस टाइम की जो हथियार मिले वो किसके बने होते थे, पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के। ये आप नाम याद रखें, ठीक है। उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी तो यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं, तो इन पत्थरों का यूज वह किस काम में करते थे। तो पहला जो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस समय जो है क्या कर रहा है, ये जो है पेड़ है इसकी जो जड़, जड़ों का जड़ जो है वो खाने के उपयोग में लाई जाती थी, ठीक है। आज भी हम कुछ जड़ों का प्रयोग करते हैं खाने में, तो इसको खोदने के लिए कुछ नुकीली चीज चाहिए होती थी, ठीक है। तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। अब ये जो नुकीलापन है इसका, पत्थर का, इससे वो खुदाई करते थे। दूसरा, पत्थरों के जो नुकीलेपन से वो क्या करते थे, ये जो मांस है जानवरों की खाल से बने जो वस्त्र होते थे, मांस नहीं सॉरी, ये जो खाल होती थी, खाल से बने वस्त्र वो पहनते थे, तो इनको सिलने के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया जाता था। किसका, पत्थर के औजारों का।
ठीक है, तो याद रखिएगा लकड़ी पत्थर से बने औजारों का वो लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। अब एक जगह से दूसरी जगह जब घूमते थे वो, तो उन्हें कई चीजों का ज्ञान हुआ, ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि अब जो है हमें एक जगह रहना प्रारंभ करना चाहिए, ताकि जंगली जानवरों से तो एक तो हम अपने आप को सुरक्षित कर पाए, गुफाएं ढूंढें जहां पर जो है हम आराम से रह सकें, ठीक है, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पानी की जो है वो उचित व्यवस्था हो, जहां पर हमें जो है वो पत्थर भी बहुतायत मिले जिनसे हम नुकीले हथियार भी बना सकें। मानचित्र दो को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैप। यहाँ पर आपको एक तो पुरा स्थल के जो है बारे में पता लगेगा, कहाँ कहाँ पर जो है वो आखिर तक खाद्य संग्राहक जो है इन्होंने रहने के बारे में सोचा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो संकेत दिए गए हैं, तो लाल त्रिकोण सबसे पहले हमें देखना है। यहाँ पर जो है आखिर तक खाद्य संग्राहक रहे थे, पूरा पाषाणिक जो है वो पुरा स्थल थे। कौन कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश में देखिए कुर्नूल की गुफाएं हैं, दूसरा जो है कहाँ है पूरा पाषाणिक जो है, ये देखिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ पर जो है ये लोग आकर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हुजगी जो है, ठीक है, हुजगी जो कहाँ है कर्नाटक साइड में है। दूसरा देखिए नव पाषाणिक पुरा स्थल, तो नव पाषाणिक पुरा स्थल जो कि कहाँ पर था, हल्लूर में था कर्नाटक, पेयमपल्ली देखिए तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी देखिए नव पाषाणिक पुरा स्थल, यहाँ पर कश्मीर साइड में बुर्जहोम, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के यहाँ पर मेहरगढ़ जहाँ कपास की खेती के जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश साइड में देखिए महागढ़ा और कोल्डी हवा, चिरांद बिहार में, दाउजली हेडिंग जो है वो असम में, यहाँ पर जो है नव पाषाणिक पुरा स्थल है ये। और पूरा पाषाणिक पुरा स्थल हमने कौन कौन से देखे? एक तो हमने जो है हुजगी देखा, दूसरा हमने कुर्नूल की गुफाएं देखी, और तीसरा हमने भीमबेटका की गुफाएं देखी। तो आपको यहीं पर ये याद भी हो गए होंगे, ठीक है। महापाषाणिक पुरा स्थल वो कहाँ पर थे? तो यहाँ पर जो हरे में आप लोगों को दिखाया गया है, तो ये महापाषाणिक पुरा स्थल थे। एक तो ब्रह्मगिरी, दूसरा है आदि चन्नलूर, तो ये थी, ठीक है। आरंभिक गांव, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आरंभिक गांव यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है, इनाम गांव, तो इसके पीछे भी गांव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आरंभिक गांव थे जहां पर आकर जिन्होंने सबसे पहले जो है गांव बसाया। उसके बाद आधुनिक जो नगर, जो कि वर्तमान में भी जो बड़े नगर हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता है, ये दो जो है वो आरंभिक नगर भी रहे थे, ठीक है। तो ये मैप जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आप जो है नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल लिखिएगा, वहां पर लिखना है आपको कि जो पुरा स्थल थे तो उस समय कौन कौन से आए थे स्थान, भीमबेटका, ठीक है, और ये भीमबेटका कहाँ है ये भी लिखना है, कुर्नूल की गुफाएं, हुजगी लिखना है, नवपाषाण जो है वो नाम याद रखें, मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, दाउजली हेडिंग, कोल्डी हवा, महागढ़ा, और इसके अलावा जो है वो पेयमपल्ली हल्लूर, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर जगह ये भी आपको लिखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे भीमबेटका के बारे में जो है वो बताया गया है। पूरा पाषाण स्थल था भीमबेटका, ठीक है, हमने अभी देखा। तो ये कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, यानी यहाँ पर जो है ये रहे थे, ठीक है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है वो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? तो मैंने आपको बताया कि नर्मदा घाटी के पास एक तो इनको पत्थर वगैरह मिल गए होंगे, दूसरा पानी की उचित व्यवस्था हो गई होगी, यहाँ की जो गुफाएं थी जहां पर जो है ये बारिश, धूप और हवाओं से जो है इनको राहत मिली, इतनी सारी फैसिलिटी जहां मिलेंगी इंसान को तो वो वहीं रहेगा। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इन लोगों के लिए, इसीलिए लोग जो है ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर जो है वो मिल सकें, ठीक है, नुकीले पत्थर मिल सकें। शैल चित्रकला यानी कि पत्थर पर बनाई गई कला, पत्थर पर जो है वो चित्र उकेरे गए। तो यहाँ पर जो है एक चित्र आपको दिख रहा है, ये जो है एक मानव जो है इंसान का जो है चित्र बना है, और ये जो है हिरण का शिकार कर रहा है। तो जो चीज ये लोग देखते थे, जो करते थे, उसी के चित्र ये
इन्होंने बनाए। जिन गुफाओं में ये रहे वहीं पर जो है इन्होंने चित्रकारी भी की। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण जो है वो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं पर मिले हैं। इंपॉर्टेंट लाइन हो गई आप लोगों के लिए कि जो आरंभिक मानव थे उनके शैल चित्रकला के उदाहरण हमें जो है कहाँ से मिले हैं, तो वहां पर गुफाओं में बने चित्रों से हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है वो शैल चित्रकारी की गई। तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, तो इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से जो है वो सजीव चित्रण किया गया। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये गुफाएं हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ पर जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखते थे, इसके अंदर गुफा बनाकर रहने लगे, चित्रकारी करने लगे। अब चित्रकारी भी वो किसकी करेंगे, जो चीज वो करते थे शिकार करते थे तो उन्हीं की चित्रकारी वो करने लगे। अब देखिए पुरा स्थल की डेफिनेशन क्या होती है। पुरा मैंने बताया, पुराना स्थल यानी वो जगह। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं कि जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यहाँ बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं, जहां पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, यानी पुरानी जो ऐसी जो है वो वस्तुएं ऐसी जगहों पर मिली हैं जिनका जो है उन्होंने उपयोग किया होगा और जब उनका काम हो गया तो उनको छोड़कर वो आगे चले गए। नेक्स्ट है, रहने की जगह भी उन्होंने खोज ली। अब हुई आग की खोज। मानचित्र दो में कुरनूल गुफा ढूंढो जहां राख के अवशेष मिले, तो हमने अभी मानचित्र में देखा। चलिए दोबारा से हम देखते हैं कि कुरनूल की जो गुफा है जहां पर आग की खोज हुई यानी कि राख के अवशेष वहां मिले। ठीक है, तो कहां मिले, ये रही कुरनूल की गुफा, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश साइड में है, तमिलनाडु से ऊपर है। एक एक चीज जो है वो आप यहाँ पर देखते चलिए, याद करते चलिए। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जो है वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई जगहों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए किया गया होगा, मांस को भूनने के लिए किया गया होगा, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी किया गया होगा। नाम और तिथियां, तो नाम और तिथियों के बारे में तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इसमें चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो ये जो नाम है पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। ठीक है, तो उस टाइम जो है वो पत्थरों का ही जो है वो लोग प्रयोग करते थे, तो उसी के नाम पर जो है इन्होंने उस समय का नाम रख दिया पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो है इसका समय आपको याद रखना है 20 लाख पहले से 12 हजार साल पहले के दौरान माना जाता है पुरा पाषाण काल। इस काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पुरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक तो आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पुरापाषाण युग। यानी मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में हुई। किस में हुई, पुरापाषाण काल में ही हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय जो है वो लगभग 12 हजार साल पहले से लेकर और 10 हजार साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। अब जो पहले जब उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया, जिन पत्थरों का प्रयोग किया उनको एज इट इज यूज कर लिया, उनको ना तो नुकीला किया उन्होंने जैसे मिले, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं था, जैसे भी पत्थर मिले उनका प्रयोग वो वैसे ही करने लगे। तो धीरे धीरे जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे मायने रखता है, ठीक है, आगे के जो हम काम करते हैं। तो उन्होंने जब उनको प्रयोग में लिया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि ये जो है हथियार अब हम अच्छे तरीके से इनको किसी को नुकीला बनाएंगे, ताकि जो है कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके लिए नुकीली ही पत्थरों का प्रयोग करना चाहिए, तो उनको जो है अच्छे तरीके से तैयार वो करने लगे। किनको, पत्थरों को औजार के रूप में। इन्हें क्या कहा गया, माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा गया।
प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार भी मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे क्या कहा गया? नवपाषाण युग कहा गया। तो हमने काल को 3 भागों में बांटा था। एक हमने देखा था पुरापाषाण काल, ठीक है, दूसरा हमने देखा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमने जो है वो नवपाषाण काल देखा। तो पुरापाषाण काल का जो समय जो है वो कितना बताया गया, तो हमने देखा कि 20 लाख से लेकर और जो है वो 12,000 साल पहले के दौरान माना गया। मध्य पाषाण काल जो है इसका समय जो है वो क्या माना गया, तो 12,000 साल पहले से लेकर और 10,000 साल पहले तक का माना गया, ठीक है। नव पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 साल पहले का माना गया। तो ये जो समय है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मध्य पाषाण काल को जो है वो क्या कहा गया, तो हमने देखा इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। क्यों कहा गया ये भी याद रखना है कि जो पत्थर जो है जो जिनके औजार बनाए गए थे, तो अब उन औजारों को जो है क्या किया गया, उनको थोड़ा छोटा बनाया जाने लगा, अधिक नुकीला जो है वो बनाया जाने लगा, जिसे कि बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लाया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है चैप्टर में। बदलती जलवायु। अब जो है जलवायु में जब चेंजमेंट आया यानी लगभग 12,000 साल पहले नव पाषाण युग के समय दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो जैसे ही मौसम जो है वो उसमें चेंजमेंट आया, जलवायु जो है वो बदली, तो बहुत सारे चेंजमेंट आने देखने को मिलने लगे, ठीक है। अब घास वाले मैदान जो है वो बनने लगे, ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास पर ही डिपेंड थे। तो जो जानवर मर रहे थे तो उनको इन्होंने क्या किया कि उनको जो है वो अब इनको क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो अब इन्होंने इनको जो है पालने के बारे में भी सोचा। नेक्स्ट देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो अब देखिए मानव जो है कहां तक पहुंच गया था, आखेटक और खाद्य संग्राहक था। उसके बाद उसने रहने की जो है वो व्यवस्था ढूंढ ली, ठीक है, गुफाओं में रहने लगा। उसके बाद जो है उसने नुकीले हथियार वगैरह ये बनाने लगे। नव पाषाण जो उसका जो समय था वह आया। अब जो इंसान था, जो मानव था, आरंभिक मानव, उसने ऐसे जानवरों को पालना जो है वो स्टार्ट कर दिया जिनका जो है जिससे जो है वो कई कार्य जो है वो कर सकता था, ठीक है। जैसे कि गायों को पालना स्टार्ट कर दिया, भेड़ बकरियों को पालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनके कई काम जो है वो चलने लगे, ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत जो है अब होने लगी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। पहले मानव को इतना ज्ञान नहीं था, जैसे ही एक जगह जो भोजन समाप्त हो जाता था तो वहां से जाग दूसरी जगह चला जाता था, ठीक है। अब जो है इनको जब ज्ञान होने लगा, आग की जब खोज हो गई, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जिस जगह हमने अपनी जो है आशियाना बनाया है, इसमें इतनी मेहनत की है, झोपड़ियां बनाई हैं, तो यहीं पर जो है वो हम क्या करें कि खेती जो है वो करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। तो जहां पर ये रहने लगे वहीं पर जो है वो खेती जो है वो प्रारंभ इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे जो थे, तो जो अनाज होता है तो उसको भोजन के लिए जो है उन्होंने बटोरना शुरू किया, यानी बीज जो है वो ढूंढा, ठीक है। साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि ये अनाज जो है वो कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो जो है वो अब क्या बन गए, खाद्य संग्राहक से बदल कर कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर इन्हें पालतू भी बनाया होगा। तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया तो वह था कुत्ता,
ठीक है, ये लाइन जो है कई बार पूछी गई है। कुत्ते का जंगली पूर्वज था, धीरे धीरे लोग जो है भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर जो है वो घास खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से जो है इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे जो है वो क्या बन गए, खाद्य संग्राहक से जो है क्या बन गए, पशुपालक बन गए। ठीक है, कृषक बन गए, पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो आप खोजिएगा, आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो ये डेफिनेशन जो है वो आप याद रखिएगा, ये परिभाषा जो है वो याद रखनी है, कई बार पूछी जाती है कि बसने की प्रक्रिया किसे कहा गया। तो किसे कहा गया, पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया है उसको बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह ये है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधा या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, तो किनको पाला जाएगा, ऐसे जानवरों को पाला जाएगा जो कि लंबे टाइम तक रह सके, जो कम बीमार हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही इनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। तो जैसे जैसे ये कार्य करने लगे, इनको नॉलेज होने लगी और फिर ये आगे बढ़ने लगे। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाने लगा जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी कि आगे जो है ये जानवर जो है इनको सुरक्षित रखा जाए और ऐसे जानवर होने चाहिए जो कि हानि ना पहुंचाए। तो ऐसे जानवरों को जो है वो प्रजनन के लिए चुना जाता था। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको पाला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले जो है वो मानव ने जो है कुत्ते को ही क्यों पाला, तो इसका आंसर जो है हमें मिल गया। तो सबसे पहले ऐसे ही जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया जिनके दांत और सींग छोटे होते थे, जिससे कि कोई भी हानि ना हो। इन दांतों को देखो, ये जो चित्र बना हुआ है तो आपको जो है ये दांत दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है ये छोटे दांत हैं। ठीक है, और कम नुकीले हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है? तो ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है क्योंकि 6th क्लास के बच्चे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है ताकि बच्चे सोचें। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब जो है 12,000 साल पहले शुरू हुई, नवपाषाण काल जिसको हमने कहा। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। पशुओं की हमने बात की, सबसे पहले पालतू पशु किसको, जंगली से जंगली जो जानवर था उसको पालतू पशु बनाया गया, कुत्ते को। सबसे पहली फसल जो कि कृषि में अपनाई गई वो क्या, कौन सी थी, गेहूं और जो, ये आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने ये चीज जान ली थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो गारो खासी की जो पहाड़ियां हैं, इसके अलावा विंध्य पहाड़ियां हैं, तो सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी खाद्यान्न खाद्य के लिए, तो वो गेहूं और जौ थी। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में सबसे पहला तो कुत्ता था, उसके कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी गाय ये जो है वो पालने लगे। अनाज के उपयोग, तो अनाज जो है उसका उपयोग किसमें किया गया, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। ठीक है, उस समय जो है वो रुपए पैसे ये तो कोई नहीं जानता था, तो अनाज का उपयोग भी कई जो है रूपों में होने लगा। एक तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी कि इसको खाने में प्रयोग में लाया गया। ठीक है, फिर लोगों ने जो है सोचा कि ये जो है अब खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो ईयर है तब भी हमें जो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने इसको जो है बीज के रूप में भी इसको जो है सुरक्षित रखना प्रारंभ कर दिया। अब लोग जो है वो जब एक जगह रहने लगे तो जब भी उन्हें खुशी होती थी तो उपहार के रूप में भी जो है इसी का प्रयोग करने लगे, अनाज का ही। ठीक है, और
भंडारण के लिए भी इसका उपयोग करने लगे, स्टोर करने लगे, ताकि जो है लंबे टाइम तक इसका उपयोग कर सकें और दूसरी जगह जो है इनको भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये जो है चार उपयोग थे अनाज के। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब जब कुशल खाद्य संग्राहक था जब मानव, तो इतना काम नहीं था उसके पास, क्योंकि वो क्या करता था, शिकार करता था और कच्चा मांस जो है वो यूं ही खा जाता था। ठीक है, तो काम भी कम ही था, नॉलेज भी इतनी नहीं थी, पेड़ पौधे जो फल फूल थे उनको भी डायरेक्ट खा लिया करता था। अब जो क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, उनके पास जो है काम भी बहुत आ गया। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात जो है वो सोचनी पड़ेगी। अब जो है हमें इसे बचाकर भी रखना चाहिए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का जो है वो कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण थे, ये कैसे थे? तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से खाद्य भंडारण का काम भी करता था जानवर। उन्हीं जानवरों को पाला गया जो कि कम खतरनाक थे, जिनके जो है दांत नुकीले कम थे। ठीक है, और जो बच्चे मजे से जो है वो सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की बुक जो है आराम से पढ़ जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही जो है यहाँ पर फायदेमंद सिद्ध होगा। और जो इसको ये समझ कर पढ़ेंगे कि अरे ये कैसे करेंगे, 6 से 12th तक की बुक जो है वो हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो वो केवल सोचते ही रह जाएंगे। जो इसको बोझ समझ कर पढ़ेंगे और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, अब कंडीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो वहां हम दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या देखनी चाहिए बच्चे को, कि एक तो उन बुक्स को पढ़ना है जो कि उस समय स्कूल में जो भी बुक चल रही हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि NCERT की बुक जो है वो वर्तमान में चल रही है, इससे पहले RBSC की चल रही थी, आपने उसको पढ़ा था। ठीक है, कोई भी बुक जो है वो बेकार नहीं जाती है, ऐसा नहीं समझना है पहले हमने जो बुक पढ़ ली है वो बेकार चली गई, नहीं। जो अब हम पढ़ रहे हैं NCERT की, तो उसी में जो है वो आप ऐड करते जाइए जो भी नई चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कंपटीशन की, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, RAS की, ठीक है, यहाँ तक कि IAS PCS की भी करते हैं आप, तब भी आपको NCERT की इन्हीं बुक्स को जो है वो पढ़ना होगा जो स्कूल में चल रही होती है, गाइड का सहारा नहीं लेना है। दूसरा क्या करना है आपको, कि दूसरा ये भी तरीका होता है, यदि आप 6 से 12 तक की नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं का भी जो है वो कोर्स आप लें, लेकिन आधार जो है ये बुक ही होनी चाहिए, ये बुक को आधार मानकर ही वो कोर्स जो है वो तैयार किया गया हो, तो ऐसे ही कोर्स जो है वो आप खरीदें। मानचित्र 2 को देखें, जो हमने पहले मानचित्र देखा था जिसमें पुरापाषाण स्थल थे, नव पाषाण स्थल थे, तो उसको हमने बहुत अच्छे से देखा। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो नीले वर्ग वही हैं जो कि अभी मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी, नव पाषाण जो स्थल थे उनके बारे में ये कह रहा है। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है, यानी कृषक और पशुपालक की शुरुआत जो है वो नवपाषाण युग में हो गई थी। ठीक है, तो उन स्थलों की बात ये बता रहा है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। दोबारा से एक बार उस मानचित्र को हम देखते हैं, तो देखिए यही वो नवपाषाण स्थल हैं। कौन कौन से? एक तो बुर्ज होम है, ठीक है, मेहरगढ़ है। तो इन्होंने क्या बताया कि कृषि और पशुपालक तो ये जो है यहाँ होने लगे थे। ठीक है, ये नवपाषाण स्थल है, चिरांद है, डाउजली हेडिंग है, ठीक है, ये सब नामों से आप परिचित हैं।
पहले मैंने आपको जो है ये चीजें जो है वो अच्छे से समझा दी थी, आपने याद भी कर ली। हुल्लूर है, पेयम पल्ली है, ठीक है। तो नीले जो उसमें दिखाए गए हैं नव पाषाणिक पुरा स्थल हैं। यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि इन स्थलों पर जो है क्या होने लगे थे, कृषि और पशुपालन होने लगा था। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी जो है फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो यहाँ पर जब अध्ययन किया गया तो यहाँ पर जो है खुदाई में पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने, जिससे कि यहाँ पर पशुपालन होता रहा होगा, ठीक है, अनाज के दानों के अवशेष मिले, तो ये चीजें जो है यहाँ पर पुरातत्वविदों को मिली। स्थायी जीवन की ओर, अब जो है स्थायी जीवन की ओर जो है वो मानव बढ़ने लगा, यानी एक जगह पर हमेशा के लिए जो है वो रहने लगा। जिस तरीके से आज हम जो है एक जगह पर अपना मकान बनाकर रहते हैं, तो ये क्या हुआ, यानी कि अब हम जो है स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है, ठीक है। तो यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे जो है घर बनाते थे, जिन्हें गर्त बास कहा गया, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। कौन सी लाइन है कि किस पुरा स्थल में जो लोग थे वो गड्ढों के नीचे जो है घर बनाकर रहते थे और जिन्हें क्या कहा गया, गर्तवास कहा गया, ठीक है। इनमें उतरने के लिए जो है वो सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। तो पुरातत्वविदों को क्या मिला कि झोपड़ियों के अंदर भी आग जलती होगी, यानी राख के अवशेष मिले होंगे, ठीक है, बाहर भी मिले, यानी मौसम के अकॉर्डिंग जो है सुविधा के अनुसार जो है वो ये कार्य करते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें जो है वो नव पाषाण युग का माना गया। तो पुरापाषाण काल में जो है वो पत्थर किस तरीके के मिले थे, तो मैंने आपको बताया था कि वो बड़े आकार के हुआ करते थे, ठीक है। उनका कोई भी आकार इस तरीके का नहीं था कि उन्हें उसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाए, यानी कि वो जैसे भी पत्थर मिलते थे उसका उपयोग वैसे ही कर लेते थे। लघु पाषाण काल जब आया तो उस समय पत्थर जो है वो कैसे बनने लगे, वो जो है वो छोटे बनने लगे, ठीक है, और उनको जो है अच्छे तरीके से बनाया जाने लगा। अब जब नव पाषाण युग आया तो यहाँ पर जो है ये जो पत्थर थे इनको बहुत अधिक नुकीला तैयार किया गया, ठीक है, बहुत अधिक जो है वो नुकीला इनको बनाया गया और इनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए इन पर जो है वो पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। तो ये नव पाषाण युग की बात हो रही है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और उसर क्या होता है, ओखली और मूसल क्या होता है कि जिसमें जो है इस तरीके का बना होता है। आजकल जो है हम क्या करते हैं, जब चाय बनाते हैं तो इसमें जो है अदरक कूटते हैं, आपको पता है, और एक जो है इस तरीके की लोहे की जो है वो बनी होती है एकदम गोल गोल सी, जिसमें जो है अदरक रखकर जो है उसको कूटा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी जो है वो ओखली जो है इस टाइप की हुआ करती थी, और ऐसे जो है वो लंबे जो है वो क्या होते थे, गाँव के बच्चे तो जानते ही है, इस तरीके से जो है ये मूसल जो है वो बना होता था, इसको पकड़ के जो है अनाज को पीसा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो ये चक्की वगैरह नहीं होती थी। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा, ठीक है। प्रस्तर युगीन यानी कि पाषाण काल, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये देखिए नव पाषाण युग के कुछ उपकरण, ठीक है, तो इनको जो है नुकीला तेज धारदार वाला जो है वो बनाया गया।
नवपाषाण युग के पुराण स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग जो है वो कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे जो है वो उगाए जा सकते थे। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें हुई वो नवपाषाण युग में हुई। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी दे सकता है कि ये जो है जैसे चावल है, गेहूं है, दलहन है, ये जो है किस युग में हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण युग में जब लोग जो है स्थायी जीवन जो है व्यतीत करने के बारे में सोचने लगे और वो जो है मकान जो है वो बनाने के लिए, यानी जो भी कच्चे मकान थे वह भी बनाकर जो है रहने लगे, झोपड़ियां बनाने लगे, कृषि करने लगे, पशुओं को पालकर उनको जो है वो पालतू पशु जो है उन्हों वो रखने लग गए। ठीक है, इसके साथ साथ लोग जो है कपड़े भी बुनने लग गए। तो ये सब चीजें जो थी वो किस युग की है? नवपाषाण युग की। ठीक है, ना तो पुरापाषाण की है ना ही मध्य पाषाण काल की है। ठीक है, तो इस समय जो है बर्तन भी बनाने लगे, लोग खाना पकाने लगे, तो खाना बनाने के लिए जो है बर्तनों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने कई प्रकार के जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, तो वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका जो है वो चलाया करते थे। और मौसम के मुताबिक जो यहाँ पर जो लोग थे, जब वो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि लोग जो है भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, जब वो ऐसी जगहों पर पहुंचे जहाँ पर जो है खेती पशुपालन जो है यहाँ होता था, तो यहाँ पर लोगों ने देखा तो यहाँ वापस आकर अपनी जगह पर जो है इसी तरीके से जो है वो भी उन्होंने भी जो है झोपड़ वगैरह झोपड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, खेती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी जो है वो विकास होना प्रारंभ हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक साथ जो है हर जगह परिवर्तन नहीं आया, धीरे धीरे जो है परिवर्तन आया और धीरे धीरे लोगों ने भी जो है खेती पशुपालन को अपनाना प्रारंभ कर दिया। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो हमने मेहरगढ़ का जो है देखा था, मैप में देखा था, मानचित्र 2 में, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, तो मेहरगढ़ वह स्थान था नवपाषाण काल में जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। ठीक है, यहाँ मेहरगढ़ में आपको क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि यह जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रा जो है इसके आसपास का स्थान है। ठीक है, दूसरा, यहाँ सबसे पहले जो है इस समय नवपाषाण काल में जो है जौ उगाना, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है वह मनुष्य ने सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की हड्डियां भी मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो उस टाइम लोग ये सोचते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी जीवन है, यानी जहां पर भी वो मरने के बाद जाता है तो वहां पर भी जीवन है। तो क्या करते थे वो कि जो कब्र होती थी उसमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, यानी उनकी खास वस्तुएं जो उनको प्रिय होती थी उनके साथ जो है वो रख दिए जाते थे। ठीक है, कि जब मृत्यु के बाद जीवन होगा तो उसे ये चीजें वो मिले। मेहरगढ़ में
ऐसी कई कब्रें जो है वो मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यह संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, तो ये जो मृतक है इसके साथ में जो है वो बकरी जो है उनको भी दफनाया गया था। ये लोग सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जो है वो जीवन होता है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है ये, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो बिल्कुल दिखाई दे रही है, एक ये बकरी है, ये बकरी है, ठीक है, और ये जो है वो मानव का चित्र है। अन्यत्र में देखिए, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। तो हमने जो देखा था कि जो उपमहाद्वीप था, तो वहां पर जो गुफाओं में चित्रकारी की गई थी पाषाण युग में, तो वो कैसी चित्रकारी थी? तो उस समय जो है जो मानव था, आरंभिक मानव, और वो हिरण का जो है पीछा कर रहा था या उसका जो है शिकार कर रहा था, इस तरीके का चित्र था, उन्होंने वही देखा। फ्रांस में गुफा में जो की गई चित्रकारी, अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। तो आपको क्या करना है, फ्रांस कहाँ है देखना है एटलस में, ठीक है। इस पुराण स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकते चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में जो चित्रकारी की गई गुफाओं में, तो उनको किससे बनाया जाता था, उनमें किस रंगों का प्रयोग होता था? तो उसमें लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यदि जानवर पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो जानवर है कौन से होते थे, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी इंपॉर्टेंट लाइन में बताती जाती हूँ, तो बिल्कुल अपने नोट्स, जो भी आपके पुराने नोट्स हैं उनमें इनको ऐड करें। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। एक नवपाषाणिक पुरा स्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़िया और भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर जो है वो लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। उपयोगी शब्द जो है हमने चैप्टर में क्या क्या देखे, आखिर तक खाद्य संग्राहक देखा, परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई, पुरा स्थल इसकी भी परिभाषा बताई, पुरा यानी प्राचीन स्थल यानी कि ऐसी जगह जहां औजार जो है वो बना करते होंगे, उद्योग स्थल वही उद्योग जहां पर ये चीजें बनती होंगी, आवासीय स्थल यानी जहां पर लोग आवास करते होंगे, रहते होंगे, पुरा पाषाण, ठीक है, तो जो पुराना जो है पुरा पाषाण यानी पत्थरों के औजारों का जहाँ प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पत्थरों को जो है किसने जानवरों की को जो है मार शिकार करने में, या फिर हमने देखा था एक चित्र देखा था कि जिसमें पत्थर, नुकीले पत्थर से जो है जो जानवर की खाल थी उस पर सिलाई की जा रही थी, ठीक है, तो पुरा पाषाण काल था वो। मध्य पाषाण काल, तो माइक्रोलिथ जिसको कहा गया, जिसमें औजार जो है वो लघु होने लगे, छोटे होने लगे, इसी को लघु पाषाण कहा गया। कृषक यानी कि किसान, जो कि जिसने जो है खेती करना या कृषि करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। पशुपालक, पशुओं को जो पालने वाला। नव पाषाण युग, जहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने देखने को मिली, जैसे कि जो है मिट्टी के बर्तन जो है हमें नव पाषाण युग में देखने को मिले। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिला, कृषि देखने को मिली, पशुपालन, ठीक है, लोगों ने जो स्थायी जीवन जो है जीना प्रारंभ कर दिया, तो ये चीजें हमें देखने को मिली। लोग जो है सिलकर कपड़े पहनने लगे, ठीक है। उसके बाद कब्र की बात जो है वो हमने देख ली कि मेहरगढ़ में जो कब्र होती थी उसमें जो भी व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ उसकी प्रिय वस्तु को उसी के साथ दफना दिया जाता था। वो लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जो है वो जीवन होता है। तो ये सब बातें हमने जो है वो चैप्टर में कर ली हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग था।
तो चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और फटाफट से जो है वो आपको सोचना है, बताना है कि इन वाक्यों को पूरा करो। आखिर तक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि जो आखिर तक खाद्य संग्राहक थे तो उन्होंने गुफाओं में रहना जो है वो प्रारंभ कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो धूप थी उससे बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, ठीक है, जानवरों से बचने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा घास वाले मैदानों का विकास जो है कितने साल पहले हुआ। तो हमने जब जलवायु परिवर्तन की बात की थी कि जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, लगभग जो है वो 12,000 साल पहले, ठीक है, तो वहाँ घास वाले मैदानों का जो है वो विकास हुआ। ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ गई जिनका भोजन क्या था, घास था। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो इसका आंसर जो है बहुत इजी है। और क्या हो सकता है इसका आंसर? वो इसलिए रहते थे कि जब उन्होंने खेती की है, बहुत मेहनत की है, तो जंगली जानवर जो है उसको खराब ना कर दें, ठीक है, इंतजार करते थे फसल के पकने का। तो लंबे समय तक जो है वो एक ही स्थान पर वो रहने लगे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तो ये आपको सोचना है। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।